HY versus Munawar, Elvish Pai versus Max, and Maxton versus Munawar, Munawar versus UK, UK versus Elvish. क्या चल रहा है? ये बोल रहा हूँ ना, तीन चार लोग ही है जो घूम फिर के ना ऐसा एरो है सबके ऊपर कि कभी किसी का क्रिस क्रॉस में झगड़ा होता है, कभी किसी का क्रिस क्रॉस में झगड़ा होता है, कभी एक दूसरे से दोस्ती होता है तो तीसरा नाराज होता है कि दोस्ती क्यों किया। पहला तो खाली अपना काम कर रहा था, अपना पैसा निकाल रहा था, लेकिन पास्ट में उसने उसको बहुत कुछ बोल के रखा है। एक मिनट, आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहले बात करते हैं एल्विश भाई वर्सेस मैक्सटन, वर्सेस भी नहीं बोल सकते इसको। एल्विश बीट मैक्सटन। कैसे मारा बेटा तुझे? मैक्सटन ने अपने साइड का वीडियो डाला है मार खाने वाला, एल्विश ने अपने साइड का वीडियो डाला एक्सप्लेन करते हुए। देखो रॉयल रंबल अभी अभी हुआ है WWE में, उसमें क्या होता है कभी कभी रिंग में 10-12 लोग हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे को मारते हैं और वो तो स्क्रिप्टेड होता है, फिर भी 10 लोग एक को नहीं मार। मैक्सटन वाला वीडियो आप सबने देख ही लिया होगा, मैं ज्यादा दिखाऊंगा नहीं वीडियो बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए एज रिस्ट्रिक्ट हो जाए मेरा वीडियो। तो मैंने देखा मैक्सटन भाई की स्टोरी, मैक्सटन भाई बोल रहे कि मुझे यहाँ पे लगा है मुझे एल्विश ने मारा ये वो। जितना मैं मैक्सटन को जानता हूँ मुझे लगा मजाक कर रहा है या प्रैंक कर रहा है या व्यूज लपेट रहा है। मैंने DM करके पूछा भाई रियल में हुआ या स्क्रिप्टेड है, तो मैक्सटन भाई ने बोला रियल। मैक्सटन भाई ने भेज दिया सीधा वीडियो मेरे को, और मैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, ऐसे मिनी व्लॉग एडिट कर रहा था मैं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मैंने थोड़ा सा भगा के वीडियो देखा तो क्या आया, कैमरा के सामने एक हिडन कैमरा है, जैसे होटल रूम में हिडन कैमरा रहते है ना छुपे हुए, एक वैसा कैमरा उसके सामने एक आदमी खड़ा है। ओके, एंड जैसे ही वो आदमी हटता है एल्विश भाई बिना शर्ट के मैक्सटन के पास जा रहे। बोला मैक्सटन ये क्या हो गया, मतलब मैक्सटन मुझे नहीं पता था इतना सब हो गया है। फिर मैंने सोचा वीडियो शुरुआत से देखता हूँ, जब मैंने वीडियो शुरुआत से देखा मैं लिटरली भाई शॉक हो गया कि इतने लोग कपड़े की दुकान में क्या कर रहे हो। से पहले वीडियो के पहले की बात करते तो मैक्सटन बेसिकली बहुत चर्बी है, मैक्सटन भी कम नहीं है। ओके, तो बेसिकली मैक्सटन पोक कर रहा था एल्विश को बिग बॉस के टाइम से, बहुत टाइम से वो ट्वीट वगैरह डालेगा कुछ ना कुछ उंगली कर रहा था। एंड अभी रिसेंटली ISPL हुआ जिसमें मुनावर ने एल्विश को हक किया, एल्विश ने मुनावर को हक किया, व्लॉग बनाया थोड़ा भाईगिरी भाईचारा जो भी है। पहले मेरे को एक बात बताओ, ये मैच हुआ था थाने में, किसी को ये नहीं लगा थोड़ा सा थाने के टाइगर को बुलाया जाए? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मेरे घर के 20 मिनट दूर हुआ था ये मैच दादोजी स्टेडियम, मेरे को बुला लेते कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैक्सटन ने बोला कि जब मैंने मुनावर को सपोर्ट किया था एल्विश के फैंस ने मेरे को बहुत गाली दिया, अब एल्विश खुद हक कर रहे तो अब बोलो। मुझे डेजा हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे साथ भी हुआ है? कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, आपको आप कुछ कहते हैं। तो मैक्सटन भाई ने ये मीम पोस्ट कर दिया, हर आदमी दोगला है, हर आदमी ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला, तो भाई यही है अपने काम से काम रखो साड़ा। जिसपे एल्विश ने बोला तू दिल्ली में रहता है याद रख, बस धमकी नहीं दिया, बोला बस याद रख, भूल नहीं गया हो तो अच्छा है, याद रख, बहुत पोल्यूशन है याद रख। फिर मैक्सटन एल्विश के बीच में जो भी बात होता है मैक्सटन स्क्रीनशॉट डाल देता है सीधा एड्रेस का कि देखो एल्विश से मिलने जा रहा हूँ मैं, और मैक्सटन स्टोरी पे डाल देता है कि 30 मिनट्स कमिंग लाइव विद एल्विश। मैक्सटन को लगा एल्विश लाइव आएगा उसके साथ। देख मैक्सटन रूल वन, अगर मार पिटाई होने वाली है जो भी है, अगर एल्विश चार बंदों को भी लाने वाला था ना, तू जो एड्रेस लीक कर दिया ना, 8 बंदे तो उसके पीछे पीछे आ गए होंगे, रोड पे से जमा हो गए होंगे साथ में। फिर क्या हम देख सकते हैं मैक्सटन अकेला दुकान के गल्ले पे बैठा है, 2-3 जीन्स बीन्स बेच के दिया रहेगा दुकान वाले को, धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। फिर एल्विश भाई आए और एल्विश भाई ने बोला हम हाथ नहीं मिलाते, हम सिर्फ चलाते हैं। फिर मैक्सटन की बहुत पिटाई हुई, एल्विश ने कपड़ों की दुकान में मैक्सटन को मारा। गाइस को हम सिस्टम क्लोदिंग बोल सकते हैं, प्लीज भूलने दो ना सिस्टम क्लोदिंग। सीना वाइनो की बहुत लोग बोल रहे हैं कि मिलने आए थे दोनों ने, साथ में मिलके डिसाइड किया था कि मिलना है, लेकिन एंड में क्या हुआ, मैक्सटन ने हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए और एल्विश ने हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, तो एल्विश चाहे सही भी हो गया एल्विश गलत। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैक्सटन पोक कर रहा था एल्विश को, एल्विश ने अपने वीडियो में भी यही बोला कि मैक्सटन 6-7 महीने से पोक कर रहा था इसलिए एल्विश ने मारा। एल्विश रोस्ट वीडियोस बनाता है, बनाता था, बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, अगर ऐसे ही पोक करने पे मारने लगे लोग तो एल्विश को कितने मारेंगे, मेरे को कितने मारेंगे, रोस्टर्स को तो मारी पड़ती रहेगी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। हालांकि मेरे को भी एक कॉल आया, बॉक्सिंग बिक्सिंग का चैलेंज कर रहा था ऑफिशियल। चलो ये बात तो प्रूव हो ही गया कि एल्विश भाई के आगे अब कोई नहीं बोल सकता, मतलब सिर्फ सलमान भाई को छोड़ के। जितना वीडियो हम देख सकते हैं उतना देखते, फिर मैक्सटन को यहाँ पे मारा है, गुंडों की आवाज आ रही है आजू बाजू से, लड़ो मत लड़ो मत।
हाँ तो 10 लौंडे आए क्यों है इधर, लड़ो मत बोलने के डराने। एक तो बंदे भी भारी है, मार रहे ऊपर से, बोल रहे लड़ो मत मार भी रहे, बोल भी रहे कि लड़ो मत। इंसाफ की तलवार बाहर आ गई। बट क्लियरली हम इमेजेस में देख सकते हैं मैक्सटन सिर्फ एल्विश को हग करने का ट्राई कर रहा है, सिर्फ गले मिलने का ट्राई कर रहा है। हम सबको पता है मैक्सटन पहले एल्विश का फैन हुआ करता था, लेकिन मैक्सटन सांप निकला। और एल्विश और सांपों का रिलेशन तो आप सबको पता ही है, सांप को पाल रहा था। हाँ, पीछा छूट रहा है सांपों से। सबूत मिल गया भाई, गवाह रहते हैं। मार खाते मैक्सटन बोल रहा है कि भाई सबूत मिल गया तो गवाह है। फिर थोड़ा और गाली गलौज होता है, उसके बाद ये आदमी आके फ्रेम कवर कर देता है। मैक्सटन साले अगर प्रोडक्शन बिठा रहा था इतना तो ड्यूअल कैमरा सेटअप लगा देता है, और जरा अच्छा क्वालिटी का कैमरा लगाता। ये क्या लगाया तूने, और ये क्या कांधे से रिकॉर्ड कर रहा है, क्या है ये क्वालिटी? एंड ऑनेस्टली जब ये आदमी खड़ा, बहुत ज्यादा खराब तरीके से मारा मैक्सटन को, एंड मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बुरा लगा एक्चुअली में यहाँ पे। फिर चाहे वो कैसा भी आया हो, बहुत गंदी तरीके से मारा। डिस्टर्बिंग था, बिकॉज एल्विश तो वीडियो बना सकता है, उल्टे में 100 स्टोरी डाल सकता है। तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, जो करना है कर सकता है। एंड में क्या किया उसने, मारा, एंड पूरा लॉस किसका हुआ ये मैटर में, एल्विश का। चलो मान लो मैक्सटन ने सेटअप किया एल्विश यादव को पूरा, उसने माइक वगैरह जो भी है पहना, उसने कैमरा लगाया, व्हाटएवर। एल्विश को इस मैटर में समझदार होना चाहिए था। हम पागल हैं, पागल तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या अभी उसने FIR इतने IPC लगा दिए, इतने हमारे लाइक नहीं आते, कर दो भाई लाइक। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। फिर जब ये आदमी हटा तो एल्विश का शर्ट मैक्सटन के पास था। शायद मैक्सटन को सिस्टम क्लोथिंग के कपड़े बहुत पसंद है। देखो एंड यही बात होती है फाइट्स की, देखो फाइट्स कोई बड़ी बात नहीं, ओके, मारपीट होती रहती है। हम 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं सबने मारपिटाई की है कहीं ना कहीं स्कूल में, मैंने भी की है, लेकिन अगर पीटने 10 लोग लेके आते हो आप, तो वहाँ पर कमजोर मार खाने वाला नहीं, मारने वाला बन जाता है, डर के मारे इतने लोग लेके आए। अरे तो आए क्यों हो, फिर मारे, फिर बोल रहा है अरे मारो मत भाई। एक तो मैक्सटन जितना पानी पी रहा है ना भाई पूरे वीडियो में। आज हम पानी के महत्व के विषय में लिखेंगे, तो आओ लिखें। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है, जल के बिना जीवन संभव नहीं। यह पाचन कार्य करने के लिए शरीर की मदद करता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। फिर यहाँ पर मैक्सटन ने एल्विश को भी पानी पिलाया, बोलो एल्विश ने मतलब बोतल ले लिया, पानी पिया। वातावरण में पानी के चक्रण व मौसम की स्थिति को नियंत्रित रखता है, पेड़ पौधों के लिए। फिर मैक्सटन के हाथ से पानी पीने, फिर मैक्सटन को मारा। मारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता, मजाक से हटके। पानी तो दोनों ऐसा पी रहे, देखो जरा मेरा भाई। तो मैक्सटन भाई को देखो, मर जाऊंगा लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। ये गधे क्यों बोल रहे हैं? मैक्सटन भाई तो मार रहे डायलॉग, मैक्सटन भाई को पता है हो रही रिकॉर्डिंग, डायलॉग तो मारने पड़ेंगे। बट इससे हमें पता चलता है कि पानी पिलाना हमेशा पुण्य का काम नहीं होता, नॉट एवरी टाइम ब्रो। एल्विश भाई अभी अभी ISPL खेलने गए थे, जो मुनावर के साथ वाला, अभी भी ISPL खेल रहे, इंडियन स्ट्रीट पे लफड़ा। बट यूट्यूबर्स देखो आजकल WWE में जा रहे, लोगन पॉल WWE में गए, इंडियन कभी WWE में जा ही नहीं सकते। उधर 1v1, उधर टैग टीम होना पड़ता है, इधर 1v10 नहीं चलता है उधर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं बोल रहा हूँ जैसे रॉक रोमन वर्सेस सेथ और कोडी हो रहा है रेसलमेनिया में, वैसे एल्विश UK वर्सेस मुनावर एंड मैक्सटन कर दो टैग टीम चैंपियनशिप, लफड़ेबाज चैंपियनशिप, कौन सबसे बड़ा लफड़ेबाज करो भाई। और UK भाई बता रहा हूँ इधर 2 करोड़ देके नहीं निकल सकते, अभी बता रहा हूँ, अभी बोल दो। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। यस, UK भाई ने चैलेंज किया मुनावर को बॉक्सिंग मैच के लिए। ये UK भाई, ये मुनावर भाई, भाई रनिंग रेस वगैरह कर लो दोनों, लींबू चमची रख के रेस कर लो, कहाँ ये सब कर रहे हो भाई। और देखो बॉक्सिंग वोट से नहीं जीती जाती, ओके, तो उधर काम नहीं अपना, क्या बोलते भाई लोग, नहीं। बट ये मैटर पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपना ओपिनियन दिया, आशीष चंचलानी आ गया, आशीष चंचलानी बोला कि भाई मेरा तो मन कर रहा है यूट्यूब छोड़ ही दूं। आशीष भाई छोड़ने दिया यूट्यूब आपने, है मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ भाई, आज क्या ही मूड में हूँ। ये बोलते हैं ना तुम लोग यूट्यूबर्स की लाइफ बहुत सॉर्टेड है, क्या है यूट्यूबर को, देखो क्या सॉर्टेड है, क्या क्या करना पड़ रहा है कंटेंट के लिए। फिर लेकिन एल्विश ने बोला कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वाह। और एल्विश ने अपने साइड की वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे, महेश दल्ले, ये रहा महेश दल्ले, चल भाई गले लग। एल्विश ने यूट्यूब पे भी नहीं डाला, इंस्टा पे डाल दिया। बिकॉज एल्विश के 50-60 हजार फॉलोअर्स माइनस हो गए थे,
इस मैटर के बाद, तो एल्विश को लगा कि देना चाहिए एक्सप्लेनेशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेन एल्विश के पूरे वीडियो का पॉइंट यही था कि 7-8 महीने से पोक कर रहा था ये एल्विश को। एंड मेन चीज ये कि जलाने वालाने का धमकी भी दिया था मैक्सटन ने। मैक्सटन भाई पर्सनैलिटी के हिसाब से धमकी दो यार। अरे मैक्सटन भाई ने सिगरेट विगरेट जला के देने का धमकी दिया होगा। और रही बात मैक्सटन की, अगर मैक्सटन ने सच में ऐसा धमकी दिया है जो कि एल्विश बोल रहा है, तो मैक्सटन को मार खाना चाहिए था। बट अगेन अकेले एल्विश थे, अकेले अकेले अगर मारपीट होती कि अरे तू हो गया फिर एल्विश ने बोला कि मार खाने के बाद मुझे बुरा भी लगा कि इसको ज्यादा लग गई। बात नहीं, उसके बाद मैंने दोबारा मैंने कि यार अच्छा लगता है ऐसे कि ज्यादा लग गई, नॉर्मल बैठ जाते हैं, इतना नहीं वो होना चाहिए था। इसके ओट की जो इसने भी डाल के यहाँ पे लग गई थी, मैंने कि अच्छा लगता गई है। तो उसने एल्विश ने बुलाया भी मैक्सटन को अपने घर पे, लेकिन मैक्सटन बोलता है वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और जितना मार खाने के बाद अगर कोई घर बुलाए कि घर आजा अभी और आजा घर, तो नहीं आएगा, सॉरी भाई कोई नहीं आएगा। व्हाट, दुकान में इतने लोग थे तो घर पे तो पता ही नहीं क्या क्या होगा। मैक्सटन भी स्मार्ट गेमर है, गेम खेल लिया, प्रोडक्शन बिठा के बैठा था पूरा। बट एंड में एल्विश ने सॉरी भी बोला। एल्विश ने बोला कि सॉरी उन लोगों को जिनको लगता है कि मैंने गलत किया। मैक्सटन बिक्सटन को सॉरी भी नहीं, लोगों से जिन लोगों को लगा कि एल्विश की छवि नहीं थी, एल्विश ने गलत किया, उन लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं ऐसा असल जिंदगी में नहीं हूँ, मैं मारपिटाई नहीं करता। बट ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, जो भी हुआ भाई बहुत खराब सीन हुआ। मतलब आई डोंट थिंक यूट्यूब पे ऐसा कुछ होना चाहिए, कभी यूट्यूब का मैटर बाहर जाना चाहिए। भाई मुंह से कितना भी बोलो, 100 वीडियोस बना लो भाई, लेकिन मारना हाँ देखो, अगर 1-on-1 की लड़ाई हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि हाँ भाई क्रिएटर्स में हो गई लड़ाई, एक ने दूसरे को मारा, एक जीत गया या व्हाटएवर। लेकिन तुम अगर इतने सारे बंदे लेके आ रहे हो एक बंदे से लड़ने के लिए, तो तुम गलत हो जाते हो। एंड अगर एक यूट्यूबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो चाहे मैक्सटन ने सेटअप किया हो पूरा सब कुछ, लेकिन एंड में स्मार्ट कौन निकला? मैक्सटन। एल्विश कहाँ है भाई? कितने फॉलोअर्स एल्विश के? एल्विश के पास एक इतना बड़ा फैन बेस है, एल्विश के पास इतनी सक्सेस है, इतना बड़ा क्रिएटर है, और ये हरकत करने से सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन खराब हुई एल्विश की। चाहे एल्विश मार भी खाता मैक्सटन से, तो भी एल्विश का ही नाम खराब होता। चाहे एल्विश ने मारा मैक्सटन को, तो भी एल्विश का ही नाम खराब हुआ। तो यहाँ पे उसको समझदार होना चाहिए था, उसको ये सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। एंड जहाँ पर आप पहला हाथ उठाते हो, गलती आपकी ही रहती है। एंड आई थिंक ये पूरी चीज भाई, जैसे आशीष ने भी बोला, पूरी चीज अवॉइड हो सकती थी। भाई क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहा है YouTube भाई? बच्चों आज सीखने के लिए क्या मिला कि अगर कुछ करना हो ऐसा, तो एक बड़ा दुकान देखो, थोड़ा दुकान बड़ा देखो, थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा डालो, थोड़ा और स्मार्ट वर्क करो। दोनों साइड से अगर स्मार्ट वर्क होता इसमें, तो क्या 4-5 वीडियो बना पाते सब लोग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को वीडियो पसंद आए तो, एंड कमेंट में बताना आपका क्या ख्याल है इस बारे में। एंड पिछला वीडियो हमने बनाया था डॉली की टपरी एंड कचौड़ी वाले अंकल पे, तो यहाँ पे टैप करके देख लेना। 2020 वाली कंसिस्टेंसी वापस आ रही है क्या?